हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक नया स्टैटिक जीके का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होता है नोटा। आप लोगों ने अक्सर चुनाव में नोटा शब्द तो ज़रूरी सुना होगा, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है ये और किस प्रकार से चुनाव में एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल होता है, तो आज हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहले विकल्प के रूप में उपरोक्त में से कोई नहीं जिसे नोटा कहते हैं प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2013 में, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। नन ऑफ द अबव नोटा 2013 में एक विकल्प के रूप में प्रदान किया गया था, ठीक है। नन ऑफ द अबव विकल्प सीधे तौर पर मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न चुनकर नकारात्मक राय व्यक्त करने का अधिकार देता है, ठीक है। यह वास्तव में 2013 में लागू हुआ था। आइए इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा सा। जैसे दिया हुआ है, पहली बार इसका इस्तेमाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था, ठीक है। 27 सितंबर 2013 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया था कि चुनाव में नन ऑफ द अबव, जिसको नोटा कहते हैं, वोट दर्ज करने का अधिकार लागू होना चाहिए, ठीक है। जबकि चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में उसी के लिए एक बटन प्रदान करने का आदेश देना चाहिए था, ठीक है। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए नोटा का विकल्प प्रदान किया गया, ठीक है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, राज्यसभा चुनावों में नोटा का विकल्प 2014 में चुनाव आयोग द्वारा पेश किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हम लोगों ने छोटी सी जानकारी नोटा के बारे में, नन ऑफ द अबव विकल्प के बारे में जो चुनाव में अक्सर उपयुक्त होता है उसके बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।